अस्सलाम वालेकुम ग्रेड एट, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल विल बी फाइन बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह। बेटा टुडे द डेट इज़ 24 अगस्त 2020 एंड द डे इज़ मंडे। आर चैप्टर इज़ चैप्टर नंबर 7 एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट्स एक्सरसाइज। ठीक है बेटा, एमसीक्यूज़ जो हैं मैं आप लोगों को पहले करवा चुकी हूँ, ठीक है, जो इंक्लूडेड थे आप लोगों के सिलेबस में। अब हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 2 है, 7.2। ठीक है, लुक एट द बुक बेटा। 7.2 है, डिफाइन द फॉलोइंग, फोर्स, एरिया, प्रेशर एंड न्यूमेटिक्स। बेटा हाइड्रोलिक्स, मैंने हाइड्रोलिक्स का आंसर नहीं लिखा, हाइड्रोलिक्स जो है वो आप लोगों के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, इसे क्रॉस कर दें। ठीक है, और ये जो 4 हैं ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। ठीक है, और इनके आंसर्स देख लें। डिफाइन फोर्स, अ फोर्स मूव्स और टेंड टू मूव, स्टॉप्स और टेंड टू स्टॉप द मोशन ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी को मूव कराने में या रोकने में जो चीज़ अप्लाई होती है वो फोर्स होती है। ठीक है, फोर्स कैन ऑल्सो चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। फोर्स के ज़रिए से हम किसी भी बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, मूवेबल बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एरिया, पार्ट ऑफ एनी सरफेस एलोकेटेड फॉर स्पेसिफिक यूज इज कॉल्ड एरिया। बेटा इनके आंसर्स आप लोग राइट करते रहें अपनी नोटबुक्स पे। पार्ट ऑफ एनी सरफेस एलोकेटेड फॉर स्पेसिफिक यूज इज कॉल्ड एरिया। बेटा जिस भी चीज़ पे हम वर्क करने जा रहे हैं या जिस भी चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो स्पेसिफिक जगह जो है वो हमारे पास एरिया कहलाएगी। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं इस बोर्ड के ऊपर वर्क करने लगी हूँ तो ये मेरे पास एक एरिया है जिसके ऊपर मैंने राइट करना है। ठीक है, इसके बाद है प्रेशर, द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ प्रेशर। बेटा जो फोर्स किसी भी एरिया के ऊपर नॉर्मली एक्ट कर रही होती है, नॉर्मली जो भी फोर्स किसी एरिया पे एक्ट करती है वो उसका क्या कहलाती है, प्रेशर। ठीक है, उसके बाद है न्यूमेटिक्स, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रेशराइज्ड गैस टू प्रोड्यूस मैकेनिकल मोशन। दिस वर्ड इज़ यूज फॉर मूवमेंट। ठीक है, किसी भी चीज़ की मूवमेंट को हम मोशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का 7.2 जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद देखें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7.3, गिव ब्रीफ आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग्स। बेटा इसमें से फर्स्ट 4 क्वेश्चन आप लोगों को नहीं करवाए जा रहे, ठीक है, ये आप लोगों ने नहीं करने फर्स्ट 4 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है डिफरेंशिएट बिटवीन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डिफरेंशिएट बिटवीन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों के पास, आंसर देखें इसका। बेटा इसे हम इस तरह से सेंटर में लाइन लगा के एक साइड पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को और एक साइड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को शो करेंगे, क्योंकि डिफरेंस को हम इसी तरह से राइट करते हैं। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, टाइप्स ऑफ लिक्विड प्रेशर, इट इज़ अ टाइप ऑफ लिक्विड प्रेशर विच इंक्रीजेज विद द डेप्थ ऑफ कंटेनर इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी उतना ज़्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा। ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ लिक्विड प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ कवर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर, द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लिक्विड प्रेशर की डेप्थ जो इंक्रीज होती है कंटेनर में डेप्थ के साथ, ठीक है, उसे हम लिक्विड प्रेशर बोलेंगे, और जो हमारे पास एटमॉस्फेयर का एयर का प्रेशर होता है हमारी अर्थ के अर्गिर्द वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। इसे हम सेंटर में लाइन लगा के एक साइड पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर राइट करेंगे और दूसरी साइड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इन दिस फिगर, ये फिगर आप लोगों के सामने शोन है। ठीक है,
इंडिकेट द लोकेशन वेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्सपेक्टेड टू बी लोएस्ट। इस पूरी फिगर में कहाँ पे सबसे ज़्यादा कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। पॉइंट हमारे पास कौन कौन से हैं, ए बी सी एंड डी। बेटा इसका आंसर होगा डी। डी इसका आंसर क्यों होगा बेटा, जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ या सी लेवल से ऊपर की तरफ मूव करते जाते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ ग्रेटर ऑन सी लेवल एंड व्हेन वी मूव अपवर्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज ग्रेजुअली। जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाता है। और डी पॉइंट जो है वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, तो यहाँ पे सबसे लोएस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ठीक है बेटा, इसकी स्टेटमेंट इस तरह से राइट करेंगे, एट डी पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लोएस्ट। ठीक है, उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 7.4। क्वेश्चन नंबर 7.4 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, वाटर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एरोसोल्स। बेटा वाटर प्रेशर आप लोगों को मिलेगा पेज नंबर 102 से 103 तक, वाटर प्रेशर का जितना भी आप लोगों को करवाया हुआ है वो सारा इसमें इंक्लूडेड होगा, लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, और उसके बाद है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अभी हमने कल ही इसे अटेम्प्ट किया है, पेज नंबर 108 पे जितना भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का पैराग्राफ आप लोगों को करवाया गया वो इंक्लूडेड होगा। पेज नंबर 107 पे एरोसोल्स के बारे में बताया गया है, वो पार्ट इंक्लूडेड होगा। इसमें एरोसोल की वर्किंग नहीं आएगी कि कैसे वर्क करता है, सिर्फ एरोसोल के बारे में हमने बताना है, सिर्फ पेज नंबर 107 इंक्लूडेड होगा, 108 वाला नहीं इंक्लूडेड होगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7.6। डिस्क्राइब द यूज ऑफ अ न्यूमेटिक सिस्टम इन डेली लाइफ। बेटा इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 106 to 107। क्वेश्चन नंबर 7.6 का आंसर है आप लोगों के पास पेज नंबर 106 से 107 तक, हमने जितने भी यूजेज ऑफ न्यूमेटिक्स पढ़े थे वो सारे इसमें इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है वो कंप्लीट हो जाता है। बेटा आप लोगों ने इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स राइट करने हैं नोटबुक्स पे, और जितना मैंने करवाया है सिर्फ उतना ही आप लोगों के सिलेबस में इंक्लूडेड होगा, जो मैंने आप लोगों को नहीं करवाया वो इंक्लूडेड भी नहीं होगा। ठीक है, और आप लोगों ने इन्हें अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ओके, फिर माना ला।